वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। एक बहुत लंबा गैप हो गया था, मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि जैसा कि मैंने अपडेट भी किया था, मैं गांव चला गया था क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई थी। तो अब वो सारी चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, एक महीने का टाइम लग गया। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों काफ़ी क्लास डी के एम्पलीफायर का रिव्यूज़ मैंने किया, इसलिए चेंज के लिए मैं इस बार ये क्लास ए बी का बोर्ड लाया हूँ। तो ये बोर्ड भी इंकोशन का ही बोर्ड है। आप जानते ही हैं कि क्लास ए बी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इसे आज भी प्रेफर करते हैं। 100+100 वाट का बोर्ड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। तो इस बोर्ड के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब देखते हैं कि इस बोर्ड में क्या है, कैसे ये बोर्ड बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी बड़ा बोर्ड है। अगर एक फुल साइज़ की पेंसिल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। और अपने आप में एक कम्प्लीट यूनिट है, सभी कुछ इसमें है, यहाँ तक कि बेस ट्रिबल और बैलेंस वगैरह कंट्रोल भी इसमें दिए हुए हैं। तो किसी भी बोर्ड की शुरुआत होती है इसकी पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें पावर सप्लाई के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर है और यहाँ पे ब्लॉक कनेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको 28/0/28 की सप्लाई देनी है 5 एम्पियर में। क्लास ए बी एम्पलीफायर की एफिशियंसी को देखते हुए ओवरऑल आप जो ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ कर रहे हैं 300 वाट का अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर 10,000 माइक्रोफेरेट 50 वोल्ट के कैपेसिटर भी स्मूथिंग लगे हुए हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई का एक और इनपुट दिया गया है, छोटा सा टर्मिनल दिया हुआ है, ये दिया गया है प्री एम्प के लिए। तो यहाँ पर आप एक 12/0/12 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं 500 mA से लेकर 1 एम्पियर तक का। अगर आपके मेन ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग निकली हुई है 12/0/12 की तो उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं इसके प्री एम्प सेक्शन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डुअल ऑप एम्प लगा है 4558, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप एम्प है। आप जानते हैं मार्केट में काफ़ी ये यूज़ होता है। और कॉन्फ़िगरेशन देखने से पता चलता है कि पहला जो ऑप एम्प है वो गेन स्टेज के लिए यूज़ किया गया है। तो होता कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि इस टाइप के जो एम्पलीफायर होते हैं, जो सेमी प्रो लेवल के होते हैं, उनका गेन काफ़ी कम होता है। तो उसमें जब भी हम ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन से सिग्नल देते हैं तो वॉल्यूम का लेवल हमारा फुल नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ पर एक आईसी का यूज़ करके गेन स्टेज बनाया गया है। यहीं पर एक कनेक्टर दिया हुआ है जहाँ पर आपको लेफ्ट राइट और ग्राउंड इनपुट देनी है। ये बैलेंस कंट्रोल का है। ज़्यादातर आजकल के जितने भी सेट्स मिलते हैं बैलेंस कंट्रोल उसमें हटा दिया गया है, लेकिन बिकॉज इसमें एक स्टीरियो वॉल्यूम का यूज़ किया गया है इसलिए बैलेंस कंट्रोल भी दे दिया गया है, ताकि लेफ्ट और राइट के स्पीकर जो हैं उसमें अगर ऑडियो कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से बैलेंस कर सकें। इसके बाद हमारा एक ट्रिबल है, मिड है और बेस है, और सारे कंट्रोल्स के लिए एक एक ऑप एम्प यूज़ किया गया है। तो इसका बेस ट्रिबल सेक्शन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बोर्ड का लेआउट आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बोर्ड को बनाया गया है। पार्ट्स का प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर पूरे थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटर आईसीज जो भी हैं सभी रिपेयरेबल हैं, सभी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो पीसीबी बोर्ड है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है, जेएलसी पीसीबी का बोर्ड लगता है ये, और ये डुअल लेयर में है। और मैं जहाँ तक देख सकता हूँ ज़्यादातर जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं रजिस्टर्स, कुछ रजिस्टर्स को छोड़ के सिग्नल पाथ में सभी 1% के यूज़ किए गए हैं। तो इससे आपको फ्रिक्वेंसी में डेविएशन बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 रेगुलेटर आईसीज दिखाई दे रही हैं, इसमें से 2 रेगुलेटर इस प्रीएम के लिए यूज़ किया गया है और एक रेगुलेटर 12 वोल्ट का है जिसकी आउटपुट यहाँ से मिलती है। तो 12 वोल्ट की कोई चीज़ चलाना चाहें जैसे कि फ़ैन वगैरह 1 एम्पियर तक का आप यहाँ से चला सकते हैं। और 5 वोल्ट इसलिए दिया गया है कि कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह आप चलाना चाहें तो वो यहाँ से सप्लाई आप दे सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके एम्पलीफायर सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले पावर ट्रांजिस्टर देख लीजिए, यहाँ पर 5200 और 1943 का एक पेयर लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि ये बहुत फेमस ट्रांजिस्टर है, CDIL का ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। आप जानते हैं कि एक पेयर इसका 100 वाट की आउटपुट देता है। 100 वाट तो मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर आराम से कहा जाए तो 70-75 वाट दे देता है। अगर इस एक पेयर को लगा के कोई बोलता है कि 200 वाट 300 वाट मिलेगा तो एक फेक बात है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर में आपको TIP42 TIP41 लगा हुआ है, और इसका सर्किट का डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये एक फेमस सर्किट पे बना हुआ है, नेट से मैंने देखा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ट्वीकिंग इसमें की गई है। और यहाँ पर एक VAS में आपको ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, TIP41 या 42 होगा, और VAS ड्राइवर 2 लगे हुए हैं आपको, और उसके बाद आपको LTP में 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और एक कांस्टेंट करंट सोर्स है। अगर आप मेरी एम्पलीफायर डिजाइनिंग वाली वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि VAS, LTP और ड्राइवर प्री ड्राइवर ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी अच्छा सर्किट है ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे अच्छा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। मार्केट में जो चीज़ें अननोन मिलती हैं उनसे तो कम से कम काफ़ी अच्छा है। और इसकी क्वालिटी मैंने जब चेक की तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगी।
वैसे तो इसका कोई डेटा शीट नहीं दिया गया है वेबसाइट पर, सिर्फ इसके पावर के बारे में बात की गई है, तो मैं भी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं दे पाऊँगा कि इसके TSD फिगर्स क्या हैं। लेकिन जिस तरीके का एक स्टैंडर्ड 100 वाट का सर्किट होता है, उसी तरीके का सर्किट ये है। बायस एडजस्ट करने के लिए 2 डायोड यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, तो कोई प्रीसेट वगैरह नहीं है इसमें, सारा कुछ फिक्स्ड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आउटपुट में इंडक्टर वगैरह का भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पर टर्मिनल्स का यूज़ किया गया है जहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। और इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट क्लास AB एम्पलीफायर में जो हीट सिंक होता है, तो हीट सिंक भी ठीक ठाक साइज़ की इसमें यूज़ की गई है। अगर आप 8 ओम पे इसको यूज़ करते हैं तो कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको हीट सिंक इंक्रीज़ करने की, लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि बिकॉज़ ये क्लास AB का एम्पलीफायर है, तो इसके साथ फ़ैन आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम तेज़ करके चलाएंगे तो ये हीट सिंक काफ़ी गर्म हो जाती है, और उसको डिसिपिएट करने के लिए फ़ैन की ज़रूरत होती है। जो भी फ़ैन आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ उसको नहीं चलाना है, बहुत हल्की सी स्पीड में अगर फ़ैन चलता है तो वो कूलिंग के लिए एनफ है। यहाँ तो 12 वोल्ट आ रही है, लेकिन आप सीरीज़ में अगर कोई छोटा फ़ैन है तो उसके साथ लगभग 22 ओम या 47 ओम का एक रेजिस्टेंस 1 वाट या 2 वाट का लगाकर उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। यहाँ पर 2 आपको वायर्स के थ्रू कंट्रोल्स मिलेंगे, एक तो आपका मेन वॉल्यूम कंट्रोल है और एक आपका लाउडनेस कंट्रोल है। तो ये लाउडनेस कंट्रोल आप जानते हैं कि पहले के सिस्टम्स में आता था, तो ये अच्छा फंक्शनैलिटी दिया गया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम कंट्रोल है, वॉल्यूम कंट्रोल ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने कैबिनेट में कहीं भी फिट कर सकें। यहाँ पर एक बार पावर सप्लाई के बारे में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। इसकी स्पेसिफाइड पावर सप्लाई जो है 28.0.28 5 एम्पियर है, लेकिन अगर आप 8 ओम पर चलाते हैं तभी 28 या 30 वोल्ट से इसे चलाएं। अगर आपको 4 ओम का लोड लेना है तो आप इसको 25.0.25 300 वाट के ट्रांसफार्मर के साथ चलाएं, तभी एम्पलीफायर बिल्कुल सेफ चलेगा और ऑडियो क्वालिटी भी आपकी अच्छी आएगी, ज़्यादा हीटिंग वगैरह भी नहीं आएगी। और जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि इनक्वेशन ने इस एम्पलीफायर को बनाया है, और वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसकी करंट प्राइस जो है 2799 है। तो इस प्राइस को अगर हम एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि सारा रेक्टिफायर और आपका कैपेसिटर, BT प्लेट, सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में अवेलेबल जो भी क्लास AB के एम्पलीफायर हैं उनसे, और मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक डील है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट और फुली रेडी टू यूज़ एम्पलीफायर चाहते हैं तो इस एम्पलीफायर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सटर्नल वायर जम्पर वगैरह नहीं लगाना है, एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको इनपुट देना है, यहाँ से आउटपुट लेना है और यहाँ से पावर सप्लाई देनी है, और ये बोर्ड आपका काम करने के लिए रेडी है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका ऑडियो डेमो, साउंड टेस्ट। तो साउंड टेस्ट को आप हेडफोन में सुनिएगा, और मैंने कई टाइप के सॉन्ग्स बजाए हैं, कुछ हिंदी सॉन्ग्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी किस तरीके की होने वाली है। ये 28.0.28 का ट्रांसफार्मर है, इसमें 12.0.12 की वाइंडिंग है और 12.0 की भी वाइंडिंग है। तो 12.0.12 मैंने यहाँ पे दिया है, जो कि प्रीएम्प को ड्राइव करता है, और मेन सप्लाई 28.0.28 की मैंने यहाँ पर दी है। तो देखते हैं कि कितनी वोल्टेज है यहाँ पर। AC में मैंने मीटर लगा दिया है, मेरे यहाँ सप्लाई बिल्कुल फुल होती है, इसलिए 29.6 आ रहा है, और ये भी 29.6 आ रहा है, यानी कि दोनों वाइंडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है। और ये हमारी पावर सप्लाई जब DC में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये 40 वोल्ट के आसपास हो जाएगी। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए -40 वोल्ट आ रहा है, +40 वोल्ट आ रहा है। तो अभी मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए ये वॉल्यूम है, ये लाउडनेस बटन है, यहां पर एक बार मैं सारे कंट्रोल्स कम कर देता हूं। अब 1 by 1 चेक करेंगे, देखिए बेस, मिड, ट्रिबल, अब देख रहे हैं बहुत अच्छी आवाज आ रही है। कुछ हिंदी सॉन्ग्स के डेमो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये बैलेंस है, देखिए देखिए इस साइड में ऑडियो आ गई, अभी दूसरे स्पीकर में चली गई।
था फ्रेंड्स क्लास ए बी के टू चैनल के 100+ 100W एम्पलीफायर का रिव्यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।